महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव का ऐलान होते ही मीरा भाईंदर 145 विधानसभा के कांग्रेस के उम्मीदवार सैयद मुजफ्फर हुसैन ने अपने प्रचार सभा का शुभारंभ किया। बड़े बड़े कांग्रेस राष्ट्रवादी कांग्रेस के बड़े बड़े दिग्गज नेताओं को इस सभा में देखने को मिला। मिलन मात्रे ने भी मुजफ्फर हुसैन का समर्थन किया। विधानसभा के चुनाव को देखते हुए मुजफ्फर हुसैन के हंसते एक नया गाना आरंभ हुआ। अपने पूरे भाषण में मुजफ्फर हुसैन ने वर्तमान विधायक नरेंद्र मेहता के कामों को ललकारा। आनंद परांजपे साहब ने बहुत अच्छा कहा था कि इस शहर का सारा 7-12 बदल गया है, 7-11 बन गया है। ये जो विधानसभा की सीट मुझे मिली है उसके लिए मैं खुसूसी तौर पे हमारी अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी आभार प्रकट करना चाहूंगा, शरद पवार जी का, राहुल गांधी जी का, खड़गे जी का, अशोक चव्हाण जी का, पृथ्वीराज चव्हाण जी का, बालासाहेब थोरात जी का, माणिकराव ठाकरे जी का, अजित पवार साहब का, जयंत पाटिल साहब का और विशेष रूप से जितेंद्र आवाट, आनंद परांजपे और नजीब मुल्ला जी का। अगर ये सारे लोगों ने मिल करके इस बात का फैसला नहीं किया होता कि ये राष्ट्रवादी की सीट कांग्रेस को हम दे रहे हैं, शरद पवार जी ने तो जाहिर सभा में इस बात का ऐलान किया था। उसके बावजूद भी कई लोग अफवाहें फैलाते थे इस शहर में कि जो लोकसभा का निर्णय आया है उसके बाद में मुजफ्फर हुसैन चुनाव नहीं लड़ेंगे। यहां तक के मीडिया को बुला करके बोला गया था कि मेरे सामने कोई चुनाव नहीं लड़ेगा। अब तो बातें ये सुनाई नहीं देती है कि उन्हीं की पार्टी में से भी लोग चुनाव लड़ने वाले हैं। मिलिंद मात्रे ने बहुत अच्छी बात कही कि मुझे गर्व है, इससे अहंकार की बदबू आती है, इससे अहंकार की बदबू आती है। ये कह सकते थे वो कि मुझे खुशी है, इस तरह का भी बोर्ड लग सकता था कि मुझे खुशी है मेरा शहर बड़ा हुआ है, मुझे खुशी है मैंने रास्ते बनाए हैं, मुझे खुशी है मैंने गैस दिया है भले उसमें गैस की पाइपलाइन पहले से मौजूद थी। मीरा रोड से हफीज शेख की रिपोर्ट, न्यू लाइफ इंडिया टीवी न्यूज़।